बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शहर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए व्लॉग के साथ, हम शहर जा रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना ली जाए इस पे। तो वो बच्चों का वो स्कूल है, परसों से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने कहा इनकी को स्टेशनरी लेनी थी। हमने कहा जी ये गाड़ी, अब हमने सलफ लगाया है इसको, ये गर्म हो रही है, मौसम काफ़ी ठंड है, तो हमने कहा जी ये अब हम गाड़ी को बैक करने लगे हैं जी। ये हमने पोर्च से निकाली है जी, जा रहे हैं जी हम। ये जी मेरा बेटा खड़ा है जी, इतना बड़ा हो गया, इसको अभी लॉक खोलना नहीं आता। ये हमारा जी गांव का हॉस्पिटल है, बड़े अरसे से बना हुआ है, हम तो शायद उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे। बुजुर्गों ने ये रकबा दिया था जी हॉस्पिटल के लिए। यहाँ 24 घंटे एमरजेंसी के लिए भी होता है सारा, वो डॉक्टर भी बैठता है यहाँ MBBS। ये अब हम जी अपने गांव से मेन रोड पे जा रहे हैं जी, 1.5 किलोमीटर का है सफ़र हमारा ये मेन रोड से गांव तक। सामने जी हमारे बाईपास है, उसको जानिया बाईपास भी कहते हैं, और ये भावलपुर रहीम यार खां ये उधर कराची साइड पे जाता है, तो ये इधर से लाहौर जाता है, साहिवाल मियाँ चन्नो उस साइड पे जाता है। ये कुछ ही अरसा हुआ है जी बना है ये। आपको कुछ हम दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके आए तो हैं हम, जहाँ तो अपने सिटी रहे थे। ये व्यूज बड़ा प्यारा आ रहा है, देखें इसको भी, ये देखें जी यहाँ नज़ारा। आगे शायद कट दूर है तो हम यहीं से वापस चले जाते हैं। जी तो दोस्तों हम रास्ते में आ रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, फिर हमने मिस्त्री से रابطہ किया। मिस्त्री साहब कहते हैं जी इसका टैमिक बेल्ट होता है एक, वो टूट गया इंजन के अंदर, तो अब हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। मिस्त्री ने वो कहता है मैं आ रहा हूँ, लेकिन इस पर अब लगेंगे 2 घंटे 3। बच्चे मेरे साथ थे, अब घर से मोटरसाइकिल मंगवाया है, तो अब इनको मैं उधर घर छोड़ आता हूँ और ये मिस्त्री के हवाले करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हारून अहमद दूर।